لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सैयद साद कादरी को और बेल आइकॉन दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ये बात तो आप में से अक्सर लोगों को मालूम है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम घर के काम काज में घर वालों की मदद करते थे और अपने बहुत सारे काम आप खुद कर लेते थे, और इसी तरह आप बकरी का दूध भी धो लेते थे, चीज़ों को सी भी लेते थे, अपनी जूती भी मुरम्मत कर लेते थे, घर के काम काज में भी हाथ बटाते थे। तो अब इन रिवायात को अगर सामने रखा जाए तो हमारे सामने दो चीज़ें आती हैं। एक तो ये कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने बास कामों पे में घर वालों पे डिपेंडेंट होते हैं, और दूसरी कुछ घर के काम होते हैं जो सबके लिए होते हैं। तो उमूमन घर के काम ये दो तरीके के होते हैं, एक आपकी ज़ात से ताल्लुक़ रखता है और एक घर वालों से ताल्लुक़ रखता है। हम में से कुछ लोग जो है अपनी ज़ात से मुतालिक कामों पर भी घर वालों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं और ख़ुद मेहनत नहीं करना चाहते। मिसाल के तौर पे कपड़ों को हम तह नहीं करेंगे, कपड़ों को इस्तरी नहीं करेंगे, इस्तरी कोई और करके दे, कपड़े कोई और ढूंढ के दे, कपड़े कोई और तह करके दे, हम तो बस सो के उठ जाएंगे, अपना हमारा बिस्तर कोई और समेटे। इस तरह के छोटे छोटे काम जिनका हमसे ताल्लुक़ है वो भी हम किसी और से एक्सपेक्ट करते हैं, कोई और हमें तुवाल निकाल के दे, कोई और हमारी जूतियाँ ठीक करे, कोई और हमारी जूतियाँ सीधी करे, कोई और हमारे बूट पॉलिश करे। बहुत सारी चीज़ें जिनका ताल्लुक बंदे की ज़ात से होता है और वो काम भी घर वालों से लेता है और उसको अपना हक भी समझता है। बाज़ लोग इसको ये जताते हैं कि चूंकि मैं बाहर जाके मेहनत करता हूँ तो ये भी मेरा काम करें। देखिए, रिश्तों में जो है ना ये यूँ नाप तोल नहीं होनी चाहिए कि चूंकि मैं यूँ करता हूँ तो तुम यूँ करो। ये फिर रिश्तों में जो है ना वो मिठास और हलावत नहीं रहती, कड़वाहट आ जाती है जब इस तरह की बंदा एक्सपेक्टेशंस रिश्तों में डाल देना कि मैं यूँ करता हूँ तो तुम यूँ करो। ये इंसान का थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं कमा के लाता हूँ तो घर वाले मेरी खिदमत करें। नहीं, ये चीज़ें खुद फितरी तौर पर होनी चाहिए। इन सब की चीज़ों, इन सारी चीज़ें जो है ना ये मोहब्बत से निकलनी चाहिए। एक दूसरे से इतनी मोहब्बत पैदा करो कि एक दूसरे का ख्याल फितरी तौर पर करो। दूसरी चीज़, बाज़ दूसरे काम होते हैं जो ज़ात से ताल्लुक़ नहीं रखते, घर वालों से ताल्लुक़ रखते हैं। मिसाल के तौर पे सौदा सर्फ ले आना, या फिर कोई भारी चीज़ उठा देना, कोई चीज़ इधर से उधर मूव कर देना, घर वालों की कोई छोटी मोटी चीज़ें जो है वो समेट देना, जूतियाँ चप्पलें सबकी बराबर कर देना, या मिसाल के तौर पर वो हजरात जिनके बच्चे हैं तो अपने बच्चों की कुछ काम कर देना छोटे मोटे जो दूसरे लोग करते हैं, या बच्चों को कुछ इस तरह ट्रेन कर देना कि वो छोटे मोटे अपने काम खुद कर लें, तो इस तरह भी घर वालों को थोड़ी आसानी हो जाए। बहुत सारे तरीके होते हैं, आप खुद भी कभी कोई काम डायरेक्ट कर सकते हैं या किसी और को सिखा दें वो काम कर लें, तो यूँ काम बट जाता है। काम के बटने से क्या होता है कि सब कुछ थोड़ा बहुत जहनी और जिस्मानी सुकून मिलता है, और वो ना जाने अनजाने में अगर वो दुआ दें या ना दें, लेकिन उनके जिस्म के वो हिस्से जो आराम पा रहे हैं वो तो दुआ देंगे आपको। और कुछ हो ना हो, अल्लाह अज़्ज़ा वजल तो इन नेक आमाल को लिख ही रहा है आपके लिए, और इंशाअल्लाह ताला आपको सवाब की सूरत में अता भी करेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें फिर किस में आ जाएंगी, आपके हुकूकुल इबाद में आ जाएंगी कि आपने अपने आस पास के लोगों का ख्याल रखा। छोटी मोटी चीज़ें, आप खाना खा के उठें तो अपनी प्लेट खुद उठा लें, क्यों एक्सपेक्ट करें कि आपकी प्लेट भी कोई उठाए, आपको पानी भी कोई और ला के सर्व करे। जो काम आप कर सकते हैं खुद कर लिया करें। जो इंसान की खुददारी एक होती है ना, जो बाहर इंसान दिखाता है, थोड़ी घर में भी इंसान में खुददारी होनी चाहिए कि ये थोड़े मोटे काम मैं करूँ। वाई शुड आई एक्सपेक्ट पीपल टू सर्व मी, कि मैं सर्व ही क्यों किया जाऊँ, मैं भी तो कुछ छोटे मोटे काम कर सकता हूँ, कभी मैं भी तो अपनी या किसी की प्लेट धो सकता हूँ, क्या मैं भी तो प्लेटें समेट सकता हूँ, मुझे कोई कचरा कहीं पड़ा नज़र आए तो मैं भी उठा के उसको बास्केट में डाल सकता हूँ, मैं भी घर का कचरा समेट सकता हूँ, मैं भी वैक्यूम कर सकता हूँ, मैं भी फ्लोर साफ कर सकता हूँ, मॉप कर सकता हूँ, पोछा लगा सकता हूँ। बहुत सारे काम हैं यार, घर के बहुत सारे काम होते हैं, घर के इतने काम होते हैं कि अगर सही मानों में इंसान अपने घर के कामों में लग जाए तो फिर उसको
दूसरे कामों के लिए फुर्सत ही नहीं होती। हम घर के काम छोड़ के हमारे पास यार दोस्तों में जाकर बैठेंगे घंटों, वो इट्स ओके, लेकिन जो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम कर सकते हैं उन्हें हम ध्यान में नहीं लाते। हालांकि हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुताहरा के मुताबिक तो आप तो घर के भी काम करते थे और बाहर से ज़्यादा आप फिर घर में भी वक्त बिताते थे। तो इसीलिए जो है ये छोटी मोटी मैंने आपको टिप्स दी हैं, उनमें से हो सकता है कुछ चीज़ें मुझसे रह भी गई हों, तो आप ऐसा करें कि आप अगर मुझसे जो बातें रह गई हों और आप करते हों या आपके एक्सपीरियंस में आपके नज़र में हों तो उसको आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें ताकि फिर हम सब उससे फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इसी तरह आप हमारे ट्विटर के अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर भी आप हमारे एक से ज़ायद पेजेस हैं, एक इंग्लिश में एक उर्दू में, उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई सवाल है तो आप यूट्यूब पर भी पूछ सकते हैं और इन और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।